मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में राम मंदिर में तीन मुस्लिम भाइयों के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है। यह घटना सलसलाई थाना क्षेत्र के किलोदा गांव में स्थित राम मंदिर की है। मंदिर के पुजारी ने सलसलाई थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाते हुए बताया मुस्लिम समाज के तीनों भाई जबरदस्ती मंदिर में घुस आए और नमाज पढ़ने लगे। बताया जा रहा है कि तीनों ही मंदिर के पास स्थित बैंक में किसी काम से आए थे। वे बैंक से निकले तो नमाज का समय हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने यही नमाज अदा की। उन पर आरोप है कि मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका लेकिन वे नहीं माने। लोगों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सलसलाई थाना पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर तीनों ही भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तीनों भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुचलके पर तीनों को रिहा कर दिया गया। पुलिस का मानना है कि यह मामला 7 साल से कम सजा का है, इसीलिए जिस दिन चालान पेश होगा उसी दिन तीनों को कोर्ट में पेश होना होगा। जमानत या ट्रायल का फैसला कोर्ट में ही होगा। दरअसल शाजापुर के गुलाना के अंतर्गत राम मंदिर परिसर में मुस्लिम समाज के तीन भाइयों ने नमाज पढ़ डाली। पुजारी ओम प्रकाश शर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि शनिवार शाम गांव के 70 साल के बाबू खान, 65 साल के रुस्तम खान और 85 साल के अकबर खान आए। तीनों ही भाइयों ने मंदिर के दरवाजे पर रखे मटके के पानी से हाथ पैर धोए और परिसर में बैठकर नमाज पढ़ डाली। मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की लेकिन वे लोग नहीं माने। लोगों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर तीनों ही भाइयों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी जनक सिंह रावत ने बताया कि किलोदा के श्री राम मंदिर के पुजारी सहित अन्य ग्रामीणों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की। इस पर तीनों ही भाइयों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। तीनों को थाने बुलाया गया, यहां पर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। फिलहाल तीनों ही भाइयों को थाने से नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।